अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल देसी मिल्क फूड्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमारी रेसिपी है आलू छोले के मिक्स ब्लॉक की। रेसिपी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के लिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे में आग जल चुकी है। एक हमने कढ़ाई ली है जिसमें हमने आधा कप घी डाल लिया है। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो जाए, बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डाल लेते हैं कुछ खड़े मसाले। और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। मसालों को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, अब हम डाल लेते हैं दो प्याज रफली चॉप किए हुए। प्याज डालने के बाद हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और बहुत अच्छी खुशबू नहीं आने लग जाती, तब तक हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरह भून चुका है, अब हम डाल लेते हैं 3 टमाटर राफी चॉप किए हुए और 3-4 हरी मिर्चें लंबाई में कटी। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और थोड़ा सा और भून लेते हैं। पाउडर मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं आलू। 3 आलू हैं दरमियाने साइज के टुकड़ों में कटे हुए। जिनको मैंने छील के पानी में रखा था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 5 मिनट तक भून लेते हैं। पाँच मिनट तक हमने इन आलूओं को मसाले में भून लिया है, अब हम डाल लेते हैं 150 ग्राम उबले हुए चने। फिर हम मिक्स करते हैं और तकरीबन 5 मिनट तक और पका लेते हैं। चने डालने के बाद हमने 5 मिनट तक भून लिया, अब हम डाल लेते हैं 1/2 कप दही। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जो दही हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है, अब हम डाल लेते हैं 4 कप पानी। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और पानी का 2 उबाल आने देते हैं। पानी का 2 उबाल आ चुके हैं, अब हम डाल लेते हैं 2 कप चावल, जिनको मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। हल्के हाथों से मिक्स करते हैं, तब तक पकाएंगे जब तक पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता।
जो पानी हमने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इन चावलों को 10 मिनट तक दम पे पकाएंगे। 10 मिनट तक हमने दम पे पका लिया है और हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने आज की रेसिपी को तैयार करके इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद है, इसको आप शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक टाइम पे पहुंच सके। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।